शिवानी, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक यूनिक रोड ट्रिप पे, जो हमने स्टार्ट करी उज्जैन से और हमने एंड करी ओमकारेश्वर में, जहाँ पे हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कवर किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उज्जैन में हमने पूरा दिन स्पेंड किया, जहाँ पे हमने महाकाल, मंगलनाथ और भैरव मंदिर देखा, और हम शाम को निकल पड़े फिर ओमकारेश्वर की तरफ। सो हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो हमारे ड्राइवर भैया हमें अपन स्वीट्स पे ले आए। ये उज्जैन की काफ़ी फेमस शॉप है। सो यहाँ पे हमने चाय का ब्रेक लिया और फिर हम निकल पड़े हमारी रोड ट्रिप पे। उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक, बेसिकली हमारे रिजॉर्ट तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का था। तो हमने सिर्फ लंच का छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन वी केप्ट ऑन मूविंग। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का रास्ता काफ़ी स्मूथ था। हमें पूरे रास्ते पे कहीं पर भी ज़्यादा ट्रैफिक या रोड ब्लॉक्स नहीं मिले। हाँ, 1-2 जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट दैट वाज मोस्टली द हाईवे अपग्रेडेशन, सो इट वाज नॉट मच ऑफ अ हैसल। प्लस द सनसेट वाज अमेजिंग फ्रॉम द हाईवे। हमारा रिजॉर्ट नर्मदा रिवर और ओमकारेश्वर टाउन के ऑपोजिट साइड में था, और उसका रास्ता फॉरेस्ट कवर में से होता हुआ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टेड साइट, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि दूर दूर तक उस रास्ते पे कोई भी कार नहीं थी, बिकॉज ये रिजॉर्ट बहुत रिमोट लोकेशन था, तो काफ़ी कम लोग बुक करते हैं इसको। बाय द टाइम वी रीच्ड, अंधेरा होने लग गया था, और एक पॉइंट के बाद तो काफ़ी स्कैरी हो गया था। फाइनली हम जब होटल पहुंचे तो इट वाज ऑलमोस्ट डिनर टाइम, तो हमने डिनर किया एंड वी क्रैश्ड फॉर द नाइट। मॉर्निंग में मुझे मौका मिला रिजॉर्ट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने का, एंड आई कुड फील दी अमेजिंग वाइब ऑफ दिस प्लेस। बहुत ही ग्रीन, बहुत ही पीसफुल, प्लस यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। सैडली आई डिड नॉट हैव माई स्विम सूट विद मी, तो मैंने बस वहाँ पे पूल में पैर डिप किए और वहाँ का पीसफुल एटमोसफेयर इन्जॉय किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग चल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये जो रिजॉर्ट का एरिया है, यहाँ पे सिर्फ 2 रिजॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे बाकी एरिया में गांव हैं, तो हमें गांव के रास्ते से होते हुए जाना है ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। बिकॉज ये नर्मदा रिवर के ऑपोजिट साइड पे है, तो हमें एक बोट लेनी थी जो हमें ओमकारेश्वर मंदिर के तट तक लेके जाएगी। सिंस ये गाँव है तो यहाँ पे रास्ता कच्चा ही है, और हमें एक्चुअल रिवर बेड से ही बोट मिलती है, सो काफ़ी नीचे तक वॉक करके जाना पड़ता है। यहाँ पे बोट्स मोस्टली कम्युनल होती हैं, विच मीन्स कि अगर वो बोट पूरी फिल नहीं होगी तब तक वो जनरली नहीं चलते हैं, एंड पर पर्सन कॉस्ट उसमें कुछ 50 रुपीज़ और समथिंग आता है। अगर आपको जल्दी है तो आपके लिए सिंगल पर्सनल बोट्स भी अवेलेबल होती हैं, बट उनका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बोट के थ्रू ओमकारेश्वर टाउन में जाने वाले लोग काफ़ी कम थे, सो हमें अपनी पर्सनल बोट का ही ऑप्शन था। बट थैंकफुली हमारे होटल के थ्रू ही एक और टूरिस्ट कपल था जिन्होंने हमारे साथ चिप इन किया, एंड हम 5 लोग मिलकर गए थे, विच मेंट कि हमारा कॉस्ट डिवाइड हो गया था, सो दैट वाज कंपैरेटिवली चीपर फॉर अस। बोट से व्यू तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी थी। शायद ये डीजल बोट्स थी, विच मेंट कि थोड़ा पोल्यूटिंग भी थी, प्लस ऑल्सो दे वर वेरी नॉइजी एज वेल। सो कुछ 10 मिनट के बोट राइड के बाद हम लोग पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर। हमने घाट की स्टेज से ही प्रसाद भी ले लिया, और थोड़ा आगे जाते ही हमने एक पंडित जी को भी ले लिया हमारे साथ, जो हमें अंदर दर्शन भी कराएंगे और हमारी अपनी पूजा भी करवाएंगे। यहाँ पर जनरली काफ़ी रश रहता है, तो अगर आप किसी पंडित जी को अपने साथ रख लेते हो जो आपको दर्शन करवाते हैं, तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अदरवाइज़ जैसे अब आप आगे देखोगे, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन होती है, और एंट्री करना इतना आसान नहीं होता है। लिटरली इट कैन टेक मल्टीपल आवर्स, कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। यहाँ पे मुझे इस मंदिर की सबसे खास बात जो लगी वो थी यहाँ का इंट्रिकेट आर्किटेक्चर। इस मंदिर का जिक्र हमारे वेदों में भी होता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बना था कुछ 10th से 13th AD के बीच में। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं, वो बहुत ही सुंदर है। मंदिर के अंदर जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर की फ़ोटोज़ यहीं तक रखूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, जो आप अब इस वीडियो में देख सकते हो। जब हम लोगों के दर्शन हो गए थे और हम वापस आ रहे थे, तो हम बिलीव नहीं कर पाए कि यहाँ पे कितना रश था। हमने दर्शन करने के बाद एक शिकंजी भी बिकॉज बहुत गर्मी थी और फिर हम वापस चल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ। जो हम अपनी पर्सनल बोट्स करते हैं उसमें जाना और आना दोनों इंक्लूडेड होता है। दैट मीन्स कि जो बोट ओनर थे उन्होंने हमारे लिए वेट किया जब तक हम दर्शन करके वापस नहीं आए और फिर वही हमें लेकर वापस आ गए थे हमारे रिजॉर्ट की तरफ। ये हमारा बहुत फास्ट टूर था जिसमें हमें 2 दिन में उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों कवर करना था, विच मेंट इट वाज टाइम फॉर अस टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। जिस फॉरेस्ट रूट से हम लोग रात को डरते डरते पहुंचे थे उसी फॉरेस्ट रूट से अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, जो मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। So, in the meantime, do not forget to hit the like button, leave a comment and subscribe to my channel. Until next time, happy travels!